नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। दोस्तों, इसमें मैं आपको ऑल रियल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारे पहली बार चैनल विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था। आज दिवस से दो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पृथ्वी दिवस से। तो मतदाता दिवस जो है तो 25 जनवरी को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस जो है तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, हाथी उत्सव से पूछा था कि ये जयपुर में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। दोस्तों, एक ग्रंथ से आया था क्वेश्चन कि आदि ग्रंथ किस धर्म के लिए है, ठीक है। तो आदि ग्रंथ किस धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए आदि ग्रंथ है, ठीक है। एक संविधान से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, संविधान का क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि कैसे क्वेश्चन संविधान से आया था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं थे। तो कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों, चार ऑप्शन दिया गया था जिसमें सही आंसर था अंबेडकर जी, ठीक है। अंबेडकर जी जो हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि 2020 में पद्म भूषण किसे मिला था। तो बहुत सारे लोगों को मिला है दोस्तों, 7 लोगों को मिला है पद्म भूषण, लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है वह छन्नूलाल मिश्र जी। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि 2019 में कस्तूरी रंजन जी ने, ठीक है, कस्तूरी रंजन जी ने ह्यूमन स्पेस सेंटर कहाँ बनाया था। तो दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको मिल गया जाए तो ये हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह ह्यूमन स्पेस सेंटर से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया था कि दादा साहेब, ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पाया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कि HTML का आविष्कार किसने किया है। तो टिम बर्नर्ली ने किया था दोस्तों, ये 1989 में किया था, ठीक है, HTML का आविष्कार। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इंदिरा गांधी प्रयोगशाला कहाँ पर है। दोस्तों, एक इंदिरा गांधी प्रयोगशाला के बारे में भी आया था, ये ऑप्शन अकॉर्डिंग इसका आंसर सही था, ठीक है। इसके बाद जंतर मंतर कहाँ नहीं है। तो दोस्तों, ये अभी जंतर मंतर कहाँ नहीं, ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अब इस समय दोस्तों यही पूछ रहा है कि कहाँ की ये कोई भी चीज़, जैसे जंतर मंतर कहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये निगेटिव में ज़्यादा पूछ रहा है इस समय, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किस राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं। तो एक लोकसभा सीटें से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई। तो रूस मॉडल पर आधारित है भारत की पंचवर्षीय योजना, ठीक है। दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है, वो सही करना था। देखते हैं मैथ्स के बारे में, देख लेते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे थे। ट्रिगो से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योमेट्री से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आया गया था। एलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद DI से दोस्तों 3 क्वेश्चन आज आया था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। LCM और SCF से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, रीजनिंग कथन निष्कर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सेटिंग अरेंजमेंट 1 से 2 आया था। एज रिलेटेड दोस्तों 1 क्वेश्चन पूछा गया था। डाइस से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए, ये रहे दोस्तों आज 22 जनवरी 2021 NTPC फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।